दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और धमाकेदार मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों इस मुकाबले में धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए और जवाब में दिल्ली कैपिटल 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 140 रन ही बना सकी और चेन्नई ने इस मुकाबले को 27 रनों से जीत लिया। दोस्तों आपको बता दें कि चेन्नई के मुकाबला जीतने के बाद कई टीमें आईपीएल से बाहर हो चुकी हैं। वहीं चेन्नई को पॉइंट टेबल में बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है जबकि दिल्ली कैपिटल को तगड़ा झटका लगा और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल के मैच के बाद पॉइंट टेबल में कौन कौन सी टीमों को बड़ा फायदा हुआ है और कौन कौन सी टीमों को तगड़ा झटका लगा है। और दोस्तों आईपीएल के पॉइंट टेबल में अभी कौन सी टीम कितने नंबर पर कितने अंक के साथ मौजूद है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों पॉइंट टेबल में सबसे निचले पायदान की बात करें तो नंबर 10 पर दिल्ली कैपिटल का नाम आता है और आज चेन्नई से हारने के बाद दिल्ली को तगड़ा झटका लगा है और दिल्ली कैपिटल अब आईपीएल 2023 के प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। दिल्ली कैपिटल ने आईपीएल 2023 में अब तक कुल 11 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 4 में जीत मिली है और 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल के 8 पॉइंट है और -0.605 का रन रेट है। दोस्तों 9वें नंबर पर सनराइजर हैदराबाद का नाम आता है। हैदराबाद ने अब तक आईपीएल 2023 में 10 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 4 में जीत मिली है और 6 में हार का सामना करना पड़ा है और आपको बता दें कि हैदराबाद के 8 पॉइंट हो गए हैं और -0.472 नेट रन रेट है। हैदराबाद को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 4 मुकाबले जीतने होंगे और अपना नेट रन रेट और बेहतर करना होगा। दोस्तों 8वें नंबर पर पंजाब का नाम आता है। शिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 5 में जीत मिली और 6 में हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ पंजाब के 10 पॉइंट हो गए हैं और -0.441 का नेट रन रेट है। पंजाब को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे सभी मुकाबले जीतने होंगे और अपने नेट रन रेट को बहुत ही अच्छा करना होगा तभी पंजाब की टीम प्लेऑफ में पहुंच पाएगी। दोस्तों नंबर 7 पर आरसीबी का नाम आता है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 5 में जीत मिली है जबकि 6 में हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ बेंगलोर के 10 पॉइंट हो गए और नेट रन रेट -0.345 है। बेंगलोर को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए अब बाकी बचे तीनों मुकाबले जीतना होगा और अपने नेट रन रेट को सुधारना होगा तभी आरसीबी की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी। दोस्तों नंबर 6 पर कोलकाता नाइट राइडर का नाम आता है। कोलकाता ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 5 में जीत मिली है और 6 में हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि कोलकाता के 10 पॉइंट हो गए हैं और -0.079 का नेट रन रेट है। कोलकाता को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए अपने नेट रन रेट में काफी सुधार करना होगा। इसी के साथ साथ 3 मुकाबला जीतना होगा तभी कोलकाता की टीम प्लेऑफ में पहुंच पाएगी। दोस्तों नंबर 5 की बात करें तो 5वें नंबर पर राजस्थान रॉयल का नाम आता है। राजस्थान रॉयल ने अब तक आईपीएल में कुल 11 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 5 में जीत मिली है और 6 में हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ राजस्थान रॉयल के 10 पॉइंट हो गए हैं और नेट रन रेट 0.388 है। राजस्थान को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 3 मुकाबला जीतना होगा। दोस्तों नंबर 4 पर लखनऊ सुपर जॉइंट का नाम आता है। लखनऊ ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 5 में जीत मिली है और 5 में हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ लखनऊ के 11 पॉइंट हो गए हैं और नेट रन रेट 0.294 है। लखनऊ को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 3 मुकाबला और जीतना होगा। दोस्तों नंबर 3 पर मुंबई इंडियन का नाम आता है। मुंबई इंडियन ने अब तक कुल 11 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 6 में जीत मिली और 5 में हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि इसी के साथ मुंबई के 12 पॉइंट हो गए और मुंबई इंडियन के नेट रन रेट की बात करें तो मुंबई इंडियन का नेट रन रेट -0.255 है। दोस्तों मुंबई इंडियन का नेट रन रेट थोड़ा सा कमजोर है। मुंबई को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने नेट रन रेट को काफी बेहतर करना होगा और 2 मुकाबला और जीतना होगा। दोस्तों नंबर 2 पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग का नाम आता है। दिल्ली के खिलाफ मुकाबला जीतने के बाद चेन्नई को बड़ी खुशखबरी मिली है और चेन्नई की टीम अब लगभग प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2023 में अब तक 12 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 7 में जीत मिली है और 4 में हार का सामना करना पड़ा है। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग के कुल 15 पॉइंट हो गए हैं और नेट रन रेट 0.490 है। चेन्नई को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 1 मुकाबला और जीतना होगा। दोस्तों नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन का नाम आता है। आपको बता दें कि गुजरात की टीम ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 8 में जीत मिली है और 3 में हार का सामना करना पड़ा है और नेट रन रेट की बात करें तो 0.951 का काफी शानदार नेट रन रेट है। दोस्तों गुजरात के बाद अब चेन्नई की टीम भी लगभग प्लेऑफ में पहुंच चुकी है लेकिन बाकी की 2 टीमें कौन सी प्लेऑफ में पहुंचेगी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।